अस्सलाम वालेकुम। आज हम वेस्ट पैन का यूज़ करेंगे। ये देखो, उसके लिए इस तरह से मैंने ये पीसेस कट की हूँ। और इस तरह से डबल फोल्ड है, 17.5 इंच, और इसकी चौड़ाई मैंने ली हूँ 15.5 इंच। और इस तरह से दो पीस मैंने कट की हूँ। ये देखिए, इस तरह से 8 इंच इसकी चौड़ाई है, 14 इंच इसकी लंबाई है। इस तरह से ये मैंने दो पीस ली हूँ। ये मैं डेली रूटीन के लिए यूज़ कर रही हूँ, इसलिए इसके अंदर ना रबर शीट का इस्तेमाल कर रही हूँ ना ही राइस बैग का। अगर आप नॉर्मल फैब्रिक यूज़ कर रहे हो तो राइस बैग का ज़रूर इस्तेमाल करें, इससे बहुत ज़्यादा बेहतर होता है। सबसे पहले ये देखो, मैंने दोनों पीसेस का सेंटर पर मार्क लगा दी हूँ। अब जो ये मेरा मेन फैब्रिक है, इसी पे भी सेंटर पर इस तरह से मार्क लगा देंगे। ये मैं सीधे पे मार्क लगा रही हूँ, इस तरह से आप भी लगा लें। ये हमारा हो चुका है। अब इस तरह से जो हमने दूसरे पीस में निशान लगाए थे, इस तरह से स्टिचिंग करेंगे, और फिर दूसरी साइड हम इस तरह से रख के स्टिचिंग करेंगे। ये तीनों साइड हम स्टिचिंग करेंगे। ये देखो, इस तरह से ये मैंने तीनों साइड स्टिचिंग कर ली हूँ। दूसरे पीस को देखो, इस तरह से मैंने तीनों साइड स्टिचिंग कर ली। अब हम स्ट्रैप रेडी करेंगे। स्ट्रैप के लिए ये देखो, इस तरह से मैंने दो पीसेस ली हूँ, और इसकी चौड़ाई मैंने ली हूँ 4 इंच, और इसकी लंबाई मैंने ली हूँ इस तरह से 19 इंच। सबसे पहले ऊपर से इस तरह से हम दोनों साइड फोल्ड करके स्टिचिंग करेंगे। ये देखो, ये दोनों मैंने स्ट्रैप रेडी कर ली हूँ। और इस तरह से जो दरमियान का है, उसे हम इस तरह से फोल्ड करेंगे, और इसके सेंटर पे मार्क करेंगे, और दूसरे साइड भी हमने इसी तरह से मार्क करेंगे। ये हमारा मार्क हो गया है, ये हमने लगा लिया। अब हम स्ट्रैप का निशान लगाएंगे। उसके लिए देखो, इस तरह से मैंने 3 इंच पे यहाँ से निशान लगा ली हूँ, 3 इंच पे यहाँ से निशान लगा ली हूँ, और इस तरह से एक पीस पे जैसे लगाए हैं, सेम दूसरे पीस पे हम लगा देंगे। ये जो मैंने निशान लगाई, ये उल्टे की साइड लगाई हूँ, और निशान लगाने के बाद मैंने देखो स्ट्रैप अटैच कर चुके हूँ। ये देखें, इस तरह से ये मैं दूसरा फैब्रिक लगा रही हूँ, इस वजह से इस तरह से मैंने अटैच की हूँ। अगर आप सेम है तो आप इस तरह से 2 इंच का एक पीस लें, और उस तरह से बैक करके आप स्टिचिंग कर देंगे। देखो, इस तरह से हम पूरा स्टिचिंग करेंगे। ये ऑप्शन है, अगर आप चाहें तो लगाएं, या अगर आपको नहीं पसंद है तो आप नहीं लगाओ। ये देखो, इस तरह से मैं इसको लुक देने के लिए और इसे फिनिशिंग करने के लिए भी मैं कर रही हूँ। ये देखो, इस तरह से बहुत ही खूबसूरत सा और बहुत ही प्यारा सा बैग बनके रेडी हो गया है। और ये देखो, उसे फोल्ड करके हम इस तरह से स्टिचिंग करेंगे, ऊपर टॉप स्टिच करेंगे। इस तरह से इसकी फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आती है, ये देखें। तो इस तरह बैग बनाएं, बहुत बहुत शुक्रिया। इसे बनाना बहुत आसान है, तो आप भी इस तरह से वेस्ट कपड़े का यूज़ करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।